नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके आचार्य में। दोस्तों, आज हमारा 13वां एपिसोड है और आज भी हम भूगोल ही कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोज आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके और आप उनको इजिली देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हमारा है सुपर क्वेश्चन और इस सुपर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, यदि आपको इस सुपर क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो प्लीज जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज का सुपर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का वह कौन सा शिखर है जो कि भारत में नहीं है। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, हिमालय पर्वत का वह कौन सा शिखर है जो कि भारत में नहीं है। जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैनल और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, इवनिंग स्टार या भौर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शंस हैं शुक्र, शनि, पृथ्वी या बृहस्पति। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है शुक्र ग्रह। जी हां, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या भौर का तारा कहा जाता है। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, वह कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। इसके लिए ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या कोलंबिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्राजील। आज का तीसरा सवाल, किसी स्थान की जलवायु जानने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं ग्रीनविच रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी या ध्रुव से दूरी। दोस्तों, सही जवाब है कि हमें किसी स्थान की जलवायु जानने के लिए ग्रीनविच रेखा से दूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, सवाल नंबर 4, भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा होती है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं देशांतर, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके लिए सही जवाब है अक्षांश रेखा। आज का हमारा 5वां सवाल है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, यानी कि किस दिशा में रोटेट करती है। इसके लिए ऑप्शंस हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। और सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की तरफ। दोस्तों, आज का 6वां सवाल है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कौन सा है, सॉरी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कैसा है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं तरल या गैस, तरल या ठोस, तरल गैस या ठोस, ठोस व गैस। ये इसके ऑप्शंस थे। सही जवाब है तरल गैस या ठोस, तरल गैस व ठोस, यानी कि तीनों ही रूप में ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है। आज का 7वां सवाल है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है। इसके लिए ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 21 जून, 4 जनवरी या 4 जुलाई। और सही जवाब है हमारा 4 जनवरी। दोस्तों, आज 8वां सवाल है, पृथ्वी किस गति से घूर्णन करती है। दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं 4 मिनट प्रति देशांतर, 4 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, 4 डिग्री देशांतर प्रति मिनट, 4 मिनट प्रति देशांतर। इसका सही जवाब है 4 मिनट प्रति देशांतर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से दीर्घवृत्त कौन सी रेखा बनाती है। ऑप्शंस हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वृत्त। इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। दोस्तों, आज का 10वां सवाल है, निम्न में से ग्रह व चंद्रमाओं की संख्या का कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि ये कौन सा करेक्ट है। इसके लिए ऑप्शंस हैं शनि 23, बृहस्पति 16, बुध सॉरी मंगल 2 और बुध 1। और इसका सही जवाब है बुध 1। दोस्तों, आज का 11वां सवाल है, 11 सवाल को पढ़ने से पहले, उसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूं और फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और यदि कोई आपके सुझाव हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, आज का हमारा 11वां सवाल है, पृथ्वी के निकट कौन सा वायुमंडल है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल और संताप मंडल। इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल। दोस्तों, आज का 12वां सवाल है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है। ऑप्शंस हैं 12,755 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर,
12,305 किलोमीटर या 10,577 किलोमीटर? दोस्तों इसका सही जवाब है 12,755 किलोमीटर। दोस्तों आज का 13वां सवाल है, सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को हम क्या कहते हैं? इसके लिए ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फियर, ओजोन स्फियर, मेसोस्फियर या फिर लिथोस्फियर। इसका सही जवाब है ओजोन स्फियर। दोस्तों आज का 14वां सवाल है, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इसके लिए ऑप्शंस हैं शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति। इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। जी हां, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह। और इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। जी हां, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आज का अगला और 16वां सवाल, क्षुद्र ग्रह क्या है यानी एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? इसके लिए ऑप्शंस हैं पृथ्वी या मंगल, मंगल या बृहस्पति, बृहस्पति या शुक्र, बुध या शुक्र। सही जवाब है दोस्तों मंगल और बृहस्पति। जी हां, मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के मध्य एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। आज का हमारा 17वां और अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। और इसका सही जवाब है 21 जून। दोस्तों आज का अगला और 18वां सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और इसके लिए ऑप्शंस है नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। इसका सही जवाब है गोदावरी। दोस्तों आज का 19वां सवाल है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसके लिए ऑप्शंस हैं गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। और इसका सही जवाब है घाघरा नदी। दोस्तों है हमारा 20वां और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? इसके लिए ऑप्शंस हैं गोरखपुर, पश्चिमी खासी पहाड़ियां, किन्नौर या कुल्लू। और इसका सही जवाब है गोरखपुर। जी हां, गोरखपुर जिला हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। मेरे ख्याल से इसकी जो सीमा लगती है नेपाल से लगती है। और दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी नॉलेजेबल होंगे और अगर ये आपके किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में आते हैं तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं अपने सुपर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो सुपर क्वेश्चन था, हिमालय पर्वत का वह कौन सा शिखर है जो कि भारत में नहीं है? उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों ने कमेंट किए हों और हम जा रहे हैं अब इसका जवाब देने की तरफ। दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत पर्वत या कंचनजंगा। और इसका सही जवाब है अन्नपूर्णा। जी हां, अन्नपूर्णा जो चोटी है वो हिमालय पर्वत की भारत में नहीं है। दोस्तों हमारा इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज मैं दोबारा से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में इजीली आपको मिल सके और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लेके आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम और इस तरह की वीडियो लेकर मिलते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।